हसन साहिबा जेबुनिसा इनके स्मृति में सार्थक संस्था द्वारा दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाले सोमवारी क्वार्टर स्थित नागपुर महानगर पालिका प्राथमिक आरोग्य केंद्र में स्कूली विद्यार्थियों के लिए दंत जांच एवं स्वास्थ्य जांच तथा कॉपी स्केच पेन आदि का वितरण किया गया। मरहुमा हसन साहिबा जेबुनिसा इनकी स्मृति में सार्थक संस्था द्वारा दक्षिण नागपुर के अंतर्गत आने वाली सोमवारी क्वार्टर स्थित नागपुर महानगर पालिका प्राथमिक आरोग्य केंद्र में स्कूली बच्चों के लिए दंत जांच स्वास्थ्य जांच एवं कॉपी किताब तथा स्केच पेन का शानदार वितरण किया गया। इस मौके पर कल्याणेश्वरी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमवारी पीठ नागपुर के तकरीबन 100 से ज्यादा विद्यार्थी एवं अध्यापक अध्यापिका मौजूद थे। स्कूली बच्चों के दांतों की जांच शासकीय महाविद्यालय दंत विभाग के टीम द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में मौजूदा सभी महानुभावों का संत गुलाब बाबा की प्रतिमा भेंट स्वरूप देकर स्वागत किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोद पटोले इंटक नेता खास तौर पर उपस्थित थे। विनोद पटोले के हाथों विद्यार्थियों को किताबें कॉपी स्केच पेन और बिस्किट का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विनोद पटोले और सतीश होले इन्होंने बीसीएन समक्ष जानकारी दी। नहीं, ऐसा है कि ये बहुत से लोग हैं ऐसा है कि जो बहुत कुछ कर सकते हैं मगर दिल में जो दानत होना चाहिए वो यहाँ देखने को मिली, ये सबसे बड़ी बात है। आज मेरे को यहाँ पे आने के बाद में बच्चों के साथ में रहने के बाद में आज के जो उपक्रम चल रहे हैं वैद्यकीय और शैक्षणिक, तो वो जो आयोजक है और उनके जो लोगों समाज के लिए जो करने की ये है तलमल है वो देख के मेरे को यानी एकदम मेरे को बहुत अच्छा लगा और भगवान करें कि उनको और शक्ति दे। इतने वैद्यकीय कैम्प आणि त्याचबरोबर एक्सरे वाटप, दाताचं चेकअप आणि विद्यार्थ्यांना पुस्तक वाटप अशा प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यात आले, निश्चित रूपाने चांगला उपक्रम आहे आणि असाच उपक्रम दरवर्षी हा राबवतात, पुढे राबवत राहावं ही चरणी इच्छा। विद्यार्थियों के जीवन संवर्धन हेतु किए गए इस कार्यक्रम की सभी ने सराहना की है। सोमवारी क्वार्टर से कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ संजय मीरे, NBC News नागपुर।